Hello, hello, everybody. Welcome back to our channel. I'm Lavanya Thava from Gulf Countries. आज मैं डिस्कस करूंगा क्लिप बोट में कैसे आपको नाइफ राइट प्रोसीजर में या सेफ्टी प्रोसीजर में रखने का बात रखना कैसे रखते कौन सा प्रोसीजर है हियर एंड देयर क्यों कैसे थ्रो करते इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है। जितना भी मेरा नॉलेज है बेसिक्स जो भी बेसिक चीज़ है ना अबाउट द किचन में कैसे रखते हैं रखना है किस प्रोसीजर में रखना है ना कलर कोड जो भी कलर कोड है कौन सा कलर कोड है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए क्लिप बोर्ड बोर्ड्स क्लिप बोर्ड्स मीन्स नाइफ क्लिप बोर्ड नाइफ क्लिप बोर्ड्स मीन्स होता है आपको नाइफ रखने का जगह कैसा है ये हो गया आपका नाइफ बोर्ड क्लिप बोर्ड है ना। दिस इज द क्लिप बोर्ड स्टोट का मैग्नेट रहता है जैसे ऐसे रखेगा नाइफ इस तरह रखेगा तो कैच कर देगा तो इसको बोलते हैं नाइफ क्लिपबोर्ड है ना। क्लिपबोर्ड आपको रहने के या नाइफ स्टैंड जो भी है आपको बोलते हैं। अब फिर इसमें किस तरह से रखना है कैसे रखना है ना। जैसे कि नॉर्मल जो आदमी लोग हैं किचन में मैं लास्ट एक उसमें गया था लोकेशन में गया था तो उसमें देखा कि कुछ प्रोसीजर सिस्टम नहीं है। नाइफ उधर टेबल में फेंका उधर फेंचा किचन में उधर फेंका दिस इज द अनसेफ्ट आपको कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है ना? और राइट प्रोसीजर में आपको नाइफ यूज नहीं करना राइट प्रोसीजर में नाइफ यूज नहीं करने से आपको क्या होता है कि क्रॉस कंडेंसेशन होने का चांसेस रहता है ना। उसी 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 में आपको बॉयल चिकन काटे उसी में आपको वेजिटेबल काटे उसी में आपको रॉ चिकन काटे इसमें क्या क्रॉस कंडेंसेशन होने का चांसेस रहता है है ना। तो इसीलिए हर प्रोसीजर में आपको फॉलो अप करना है ताकि राइट आपको सिस्टम राइट फॉर्मेट राइट आपको कंटेंट आप गेस्ट को सर्व कर सके गेस्ट हो चाहे या कस्टमर हो उसको सर्व कर सके है ना। चाहे रेस्टोरेंट में हो चाहे कैटरिंग इंडस्ट्री में हो या तो फूड इंडस्ट्री में हो है ना। इस तरह से नाइफ आपको एक्चुअली किस तरह से रखना नाइफ को आपको मैं अब डिजाइन करके दिखाता हूँ फिर बाद में आपको अब मैं उसमें आपको एक फोटो इमेज में दिखाऊंगा किस तरह से रखते हैं। नंबर वन फर्स्ट नॉर्मल पीपल लोग क्या करते हैं नाइफ को इस तरह से रखते हैं है ना। दिस इज नाइफ इस तरह रखते हैं इसका हेड इधर है एचडी हेड है हेड इस साइड रखते हैं उसका जो हैंडलर से इधर रखते हैं ऐसे रखते हैं दिस इज आपको ये हैंडल है ना इस तरह से रखते हैं। दिस इज द नॉट राइट प्रोसीजर ये प्रोसीजर राइट प्रोसीजर नहीं बट सेफ्टी है बट इसमें क्या है आपको सेफ्टी है इसे आपको यूज करते हैं ऐसे निकालें तो उसमें डालते हैं यूज करें उसको। अब यूज करने के बाद आप चाहे वेज काट रहे सलाद काट रहे वेजिटेबल काट रहे हैं ना करने के बाद क्या आपको नाइफ को काम कर रहे हैं इधर उधर थ्रो नहीं करना है उधर उधर रखना नहीं है ना। कभी भी एक्सीडेंट इंसिडेंट हो सकता है नाइफ को थ्रो अब चलते गिर रहा है। अब कोई टेबल है जैसे मान चले अभी इससे टेबल है इस टेबल में ऐसे करके नाइफ इस तरह से रख दे। अभी आदमी जा रहा है नैरो गली है या तो गली में है उसमें लग गया फटाक से लग गया तो आपको क्या हाथ भी कट सकता है बॉडी में कट सकता है इस द राइट पोस्चर नहीं है तब यूज करो पुट इन योर क्लिपबोर्ड में रखते हैं ये क्या राइट पोस्चर एंड दूसरा ये आपको सेफ्टी है बट ये राइट पोस्चर नहीं है। राइट पोस्चर कौन सा है आपको अभी बता दो इमेज में देखता हूँ
इमेज भी बताऊंगा, इमेज भी आप इमेजिन कर सकते हैं, उसके बाद फिर मैं दूसरा चल के आपसे बताऊंगा। अब देखिए, अभी मान चलिए इसी को हम लोग मान लेते हैं, अब हम मान लेते हैं एक ए ओ है, आपको स्टैंड है, क्लिपबोर्ड स्टैंड है, अभी मान चलिए एक क्लिपबोर्ड स्टैंड है। अब इसको अब क्या उल्टा कर देते हैं, इसको क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, अभी हेड इधर था, अभी हेड इधर आएगा, ये हेड ऐसे करके आएगा, इसका स्टैंड इधर है, हमारे हैंडल इधर है, हैंडल इधर है, ये क्या आपका हैंडल, इसका हेड इधर है, अभी हेड इधर है ना, चारों तरफ हेड, ये एक्चुअली रखने का राइट पोजिशन, नाइफ का राइट पोजिशन ये सिस्टम मेडिक फूड सेफ्टी है, मैनेजमेंट सिस्टम ज्यादा हैज़र्ड्स जो गाइडलाइंस है, HACCP है, HACCP इसका गाइडलाइंस है, आपको इस प्रोसीजर में आपको नाइफ स्टैंड में क्लिप बोर्ड में इस तरह से लगाना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, क्योंकि देखिए आपका जितना भी वो नाइफ जो है ना, नाइफ जो है ना पूरा आप जो काम कर रहे हैं, काम कर रहे वेजिटेबल काटे या सलाद काटे या कुछ जो चीज़ बेकरी आइटम है, कुकरी आइटम है, बॉयल मीट जो काटे उसको काटने बाद क्या बराबर आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा, सैनिटाइज माने वॉश करना पड़ेगा, वॉश करिए, वॉश करने के बाद उस नाइफ को, नाइफ को आप पानी के साथ भी रख सकते हैं, पानी के साथ ऐसे रखेगा तो क्या वो आपको हैंडल ऊपर है, हैंडल ऊपर है और जो उसका जो हेड है नीचे, तो क्या उसमें जो इसमें जो नाइफ का जो पानी है ऑटोमेटिक गिर जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको ड्राई हो जाता है, वो भी राइट प्रोसीजर है। उसके बाद दूसरा प्रोसीजर क्या है कि आपको नाइफ को क्लीन करना चाहिए टिश्यू से ड्राई करके, अफजल कीफियर, अफजल कीफियर, अफजल कीफ, ऐसे भी रख सकते, ऐसे भी रख सकते, ये सेफ्टी है, ये अनसेफ्टी है, जैसे कि ऐसे ऐसे नाइफ पकड़ जाएगा, इसमें क्या आपको इसमें नाइफ लगाए, नाइफ लगाए, अब ये ऐसे कर पकड़ जाएगा तो आपका इधर से आपको जैसे हाइट में रहता है ना, हाइट में रहता, हाइट में इससे पकड़ जाएगा तो आपको क्या है कि इधर जो हेड है, इस हेड से जो चिकन है, चिकन है ना, उसमें आपको क्या हाथ में लग सकता है, हाथ में घुस सकता है, हाथ में एक्सीडेंट हो सकता है ना, तो यही कौन सा राइट प्रोसीजर आपको बताने का, इस तरह से राइट प्रोसीजर रहता है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से, यही बस है आपका छोटा सा वीडियो है, आपका जितना मेरा नॉलेज है, मैं जो देखता हूँ आप लोग, मैं इस वीडियो के जरिए शेयर करता हूँ, बस इसमें क्या आपको नाइफ है वेजिटेबल का कटिंग का, और नाइफ का जो कलर कोड है दूसरा होना चाहिए, सलाद का ग्रीन है और इसका जो वेजिटेबल का जो ब्राउन है ना, HACCP का जो सिस्टमेटिक है वो ब्राउन है, उसके बाद आपको वेजिटेबल है, बेकरी आइटम करने तो व्हाइट है, एंड कुक फूड मीट करने के लिए आपको येलो है, उसके बाद आपको फिर चिकन मटन नॉन वेज काटने के लिए क्या है रेड है, फिश काटने के लिए आपको ब्लू है, इस तरह से आपको प्रोसीजर रहता है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात कराऊँ तो आप लोग साथ, तब तक लिए।